तो चलिए आज हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं अपना फाइल में विवाद। बताया था आपको मैंने कल कि हम जो भी क्लास करेंगे वो मेनू बार के हिसाब से करेंगे। तो आज ठीक हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको शॉर्टकट्स के बारे में बताया, आपको डॉलर कंसेप्ट के बारे में बताया, लिमिटेशंस के बारे में बताया हाँ जी और एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में बताया। यस तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल मेनू बार। ठीक जिसे फाइल मेनू बार आप ओपन करते हैं, ऐसा टैब है तो इसको होम वगैरह को छोड़ दीजिए। होम वगैरह में क्या होता है, जो आपके माने कि न्यू वर्कबुक और रिसेंट टैबलेट होती है और रिसेंट ओपन वर्कबुक होते हैं आपके। अब न्यू पे आते हैं, न्यू। जब न्यू में करते हैं जनरली आप लोग क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये करते हैं ना। यस सर। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें, कभी ध्यान दिया आपने? नहीं सर, इतनी तो ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीजें जो है टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब बड़ा फॉर्मेट। मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि कैलेंडर बना दो जहां पर हम हर महीने की मीटिंग वगैरह लिख सकते हैं, और आपको आइडिया नहीं है कैसे बनेगा। आपने यहाँ पे सर्च किया, सिलेक्ट किया, डाउनलोड कर। अगर महीना में चेंज करता हूं जुलाई, जुलाई महीने का पूरा कैलेंडर आ गया एक कैलेंडर फॉर्मेट में। और यहाँ पे नोट्स लिखने के लिए भी जगह है कि हर दिन का नोट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट महीना, इसके नीचे नेक्स्ट महीना। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने लिया और अपने हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दिया। तो न्यू में टेम्पलेट का यूज करते हैं बने बनाए फॉर्मेट के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ बनाना होता है तो हमारे मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं होता। मान लीजिए आपको बोला गया एक रिपोर्ट बनाने के लिए, एक वर्क ऑर्डर बनाने के लिए। वर्क ऑर्डर समझते क्या होता है? वर्क ऑर्डर तो नहीं पता। मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी को कुछ काम करवाने हैं। उसने उसने किसी एक कंसल्टेंट को हायर किया। मान लीजिए कि एक कंपनी को अपने सारे कंप्यूटर को चेंज करना। उसने एक मान लीजिए डेल को डेल के साथ कनेक्ट किया, डिस्कशन किया, बातचीत किया और उन्होंने तय किया 100 कंप्यूटर चेंज होने। अब तय हुआ तो क्या कंडीशन के साथ तय हुआ है उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ना। यस सर। तो कंपनी डेल को वर्क ऑर्डर देगी कि भाई ये ऑर्डर है वर्कर जो आपको करना है। यस सर। उसमें सब चीज लिखा रहेगा और उसी वर्क ऑर्डर के बिहाफ पे पेमेंट होगा। समझे? तो अब आपको वर्क ऑर्डर के बारे में पता नहीं है तो आपको बोल दिया कि वर्क ऑर्डर का फॉर्मेट तैयार कर दो, आपको पता ही नहीं है। यस सर। तो आपको समझाने वाला भी ऐसा कोई आदमी भी नहीं है। तो आप यहाँ पे सर्च करें वर्क ऑर्डर। यहाँ पे देखिए डेली वर्क शेड्यूल, अपसेट, डू लिस्ट, वर्क प्लान, ये जो भी देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट, वर्क ऑर्डर ट्रैकर, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे आपके सामने इससे रिलेटेड आपको आ गया, जैसे कि यहाँ पे आपका आ गया वर्क ऑर्डर है ना यहाँ पे। या वर्क ऑर्डर एक साथ है तो एक बार अगर नहीं समझ आया तो ऑर्डर सेलेक्ट कर सर्च कर लीजिए। हम्म।
और सेलेक्ट करके और क्लियर करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा और उसे कमेंट तैयार कर सकते हैं। तो टेम्पलेट का यूज आप कर सकते हैं, एक तो एक से हो गया। दूसरा चीज लर्निंग, ये तो हो गया आपका ऑब्वियसली यूज के हिसाब से। अब लर्निंग के हिसाब से अगर आपको देखना है कि एक्सेल में हम किस किस तरह के कैसे कैसे रिपोर्ट और फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, क्या यस जैसे गाड़ी आप खरीदने जाते हैं, बताता है ना कि हाँ गाड़ी को इतना माल लोड कर सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, गाड़ी की ये सब फीचर्स भी है। सेम उसी तरह से आपको एक्सेल के सारे फीचर्स को देखना है। तो न्यू पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स है। आप कैटेगरी दिख रहा है आपका बिजनेस, बिजनेस को सिलेक्ट कर लीजिए, पर्सनल, ये सारे रिपोर्ट के फॉर्मेट है। Yes, आप क्या करें इसमें से जितना हो सके उतने रिपोर्ट को डाउनलोड करें और उसको एनालाइज करें। इससे क्या होगा कि जब आप काम करने जाएंगे और उस तरह की रिपोर्ट, उस तरह की फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी तो आपको दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से मैं कर सकते हैं। Yes, sir. Hello? Yes, sir, yes, sir. तो ये आपको आइडिया देगा माइंड में कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट भी बनाया जा सकता है। Yes, sir. तो देख लेंगे तो फिर आप सीखने चलेंगे तो आपको उस हिसाब से आएगा कि हमें किस 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 तरह की रिपोर्ट और फॉर्मेट तैयार करना है। Yes, sir. ठीक है। न्यू से आगे बढ़ते हैं। ओपन जनरली बताइए आपको बताने की जरूरत है नहीं। यस इसमें आपको एज ए पहले दिख रहा है जैसे शेयर ड्राइव वगैरह होता है ना एफटीपी, उसको ऐड कर सकते हैं। यस सर बोले सर उसके बाद आपके पास इन्फो इन्फो में आपको आपके फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है का नेम, साइज क्या है, नेम क्या है, कहाँ सेव है, मॉडिफाई हुआ, किसने बनाया वगैरह। इसमें जो है एक्सप्लोर है आपका यहाँ प्रोटेक्ट मार्क आते हैं आपके साथ एक मार्क एज ए फाइनल इसका यूज हम ऑफिस में करते थे। तो क्या होता है आप जैसे कि एक फाइल है उसमें तो 3 बंदे काम करते हैं। पहला बंदा काम करके फाइनल कर देगा तो दूसरा बंदा फिर करेगा। मतलब 3 अलग अलग की इंफॉर्मेशन है तो पहला बंदा उस इन्फॉर्मेशन को पूरा कर देगा तो दूसरा उसके भी आप कुछ और करेगा और फिर दूसरा जब कर लेगा तो तीसरा करेगा। फाइल अगर छोटी फाइल है तो आप मेल कर लोगे, तो 5-7 लाख लोगों का डेटा है, साइज बहुत बड़ी है, मेल नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करते थे सर्वर में रखते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, अब एक ऑफिस में बैठे हैं तो बात कर लेंगे भाई हो गया फाइल तो बोला ठीक है हो गया ले लो। लेकिन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में थे और कुछ तो इंटरनेशनल भी थे तो वो लोग इस मार्क एज ए फाइनल का इस्तेमाल करते थे। जैसे फाइल उनका फाइनल हो गया और मार्क एज ए फाइनल पे क्लिक करके छोड़ देते थे, फिर दूसरा बंदा फाइल को ओपन करता था और मार्क एज ए फाइनल पे क्लिक होता था, इसे मतलब कि फाइल फाइनल है तो फिर मार्क एज ए फाइनल को हटा के जो अपना काम करता था उसका काम होने के बाद फिर वो मार्क एज ए फाइनल लगा देता था। फिर तीसरा बंदा फाइल ओपन करता था, मार्क एज ए फाइनल शो करता था कि भाई फाइनल है मार्क,
तो काम करना शुरू करता था, नहीं यार पागल, तो फिर वो फाइल हीरो मोड पे होता था, छोड़ देता था भाई चल रहा है। जब तक मार्क एज ए फाइनल पे क्लिक नहीं, इसका मतलब नहीं है कि फाइल कंप्लीट नहीं हुई। इसका यूज प्रोग्राम करते हैं। बाकी चीज तो प्रोटेक्शन में आपको समझाऊंगा, जैसे ऑलवेज यहाँ दिख रहा होगा ऑलवेज ओपन रीड ओनली, आप चाहते हैं कि मेरा जो फाइल है हमेशा रीड ओनली में ओपन हो। जैसे कि हमारे पास जो डंप डेटा होता है तो उस डंप डेटा को हम चाहते हैं कि हमेशा रीड ओनली ओपन हो, क्योंकि एडिट मोड में ओपन होगा तो कोई भी चेंज कर सकता है। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका पासवर्ड होता है ओपनिंग पासवर्ड डाल दो। प्रोटेक्शन वगैरह तो हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। सेव आपको पता ही है, सेव एज आपको पता ही है, तो डाउट इसमें नहीं है ना? ये सर सेव। उसके अलावा हिस्ट्री, ये फाइल सेव नहीं है, अगर सेव होता तो इसकी हिस्ट्री बताता कि किस किस ने इस फाइल को खोला है। अगर मैं कोई पहले से ओपन फाइल दूं, मान लीजिए मैं डेटा को लेता हूं और इसकी फाइल पे आता हूं और इसकी वो हिस्ट्री डिसेबल है। ये डिसेबल होने का दो कारण, थ्योरी का था दो कारण। पहला कारण होगा कि क्योंकि बेस सिस्टम के अलावा कहीं और ओपन हुआ नहीं है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मेरा ऑफिस लाइसेंस वर्जन ना हो, इस कारण से भी हिस्ट्री एक्टिवेट नहीं हो सकता। प्रिंट नॉर्मल है, आप अपने डेटा को प्रिंट करने का इस्तेमाल यूज किया जाता है, प्रिंट पे भी हम आपको बताएंगे आगे। शेयर होता है, इस फाइल को शेयर ड्राइव में या ईमेल के जरिए सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है आपका। एक्सपोर्ट क्या होता है कि इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश पावर बीआई जो होता है, बिजनेस टूल्स होते हैं, उस पर अगर पब्लिश करना चाहे तो इस पर रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। बाकी अकाउंट वगैरह नहीं है। अब नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? एक्सेल की सेटिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि आप पहले ही क्लास में सर सेटिंग पर आ रहे हैं क्यों? तो क्या होता है सर कि जब भी कोई नई चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सेलफोन ही लेते हैं, उसका रिंग टोन, उसका वॉल पेपर अपने हिसाब से चेंज करते हैं ना सर, तो सेम चीज यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेल पहला बार यूज कर रहे हैं तो इसमें जो सेटिंग है वो तो ग्लोबल है। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स, कल मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो उसके बारे में दिख जाए। तो इसमें क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो हम चाहते थे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट तुक्का ना मार सके। इसको डिसेबल करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी जैसे केसेस होते थे, स्क्रीनशॉट लेने में कभी पीछे चला जाता था, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कि इसकी हट जाए। तो उसके लिए हम एक्सेल ऑप्शन में आते थे। Thank you.
यहाँ पे हम डोंट सो स्किन टिप्स करेंगे तो हट जाएगा. उसके बाद आपका डिफॉल्ट फॉन्ट, जैसे मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट फॉन्ट जो है हमारा कैलिबरी है तो कुछ और हो जाए, तो यहाँ से डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट साइज, और एक बार सीट इंस्टॉल करते तो तीन आता है जब नया फाइल लेते हैं. तो उस समय कितना सीट ऐड हो या सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा ऑथर नेम, अब किसी भी फाइल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो बता देता है कि इस फाइल को किसने बनाया है, ठीक है. देखा ना ऑथर आईबीपी एक्सेल स्कूल. तो यहां पे क्या होता है कि डिफॉल्ट जो ऑथर नेम होता है आपके पीसी का लॉगिन आईडी होता है, जैसे कि एडमिन वन, यूजर वन, इस तरह से होता है, ठीक है. यस. तो यहां पे हम अपना यूजर नेम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसमें एक्सेल ऑप्शन. ठीक है सर. यस सर. दूसरा फॉर्मूला मेनू बार में जैसे कि ये एबीसीडी दिख रहा है आपको, क्लिक कर देंगे तो आरएलसी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ए बी 1 2 3 हो जाएगा, मतलब नंबर से वो है ना 1 2 3, तो आपके एबीसीडी की जगह पे 1 2 3 हो जाएगा. Yes. प्रूफिंग में आते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने बना रखा है डीएस, मैं अपने किसी भी एक्सेल फाइल में डीएस लिखूंगा, और डीएस लिखने के बाद अगर मैं ये करता हूँ डीएस लिखने के बाद उसको मैं अगर स्पेस मारता हूं तो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि मुझे कहीं डेली सेल्स रिपोर्ट लिखना है तो मुझे पूरा डेली सेल्स रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं. क्या करना है, डीएस लिख के स्पेस मार दो, तो ऐसे शॉर्टकट चाहो तो आप बना सकते हैं. तो सेव पे क्लिक करते हैं तो फाइल डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक में सेव होता है, तो उसमें अगर माइक्रो वगैरह है तो डिसेबल हो जाएगा, तो आप सेविंग डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं. उसी तरह से आपका डिफॉल्ट सेव लोकेशंस है कि माय डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट फाइल नहीं सेव करना चाहते हो, कहीं और करना चाहते हो, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. Yes. तो मैं बोलता हूँ सर एक बार आप जनरल फॉर्मूला प्रूफिंग सेव और एडवांस इन तीन चीजों जो कि अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लो, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है. Yes, तो अपने एक्सेल शीट पे जाइए और इसको स्टडी कर लीजिए. दूसरा आप फाइल मेनू बार में मैंने बताया था आपको न्यू के बारे में, इसमें 8-10 फाइलें हैं, उन 8-10 फाइलों को आप एक बार डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको रिव्यू करें, ठीक ठीक है ना. तो फिर कल हम आपके साथ जो सेटिंग्स के जो चीजें हैं वो चीज बताएंगे और फिर हम होम मेनू भी एक बार की तरफ चलेंगे, ठीक. पहले इसको कर लीजिए, ठीक है. इसके बाद यस सर, आज इतना ही करते हैं. शुरुआत में क्लास में ओली चलते हैं क्योंकि पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है. आप ये जो मैंने बताया वो कर लीजिए, फिर हम कल की क्लास में बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है. और सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक्सेस भी सिखाते हैं ना, एमएस एक्सेस, वो मेरे को सारी चीजें सीखनी है जैसे जो भी है. एमआईएस का कोर्स 15,000 रुपीज का है, वो आप ले लीजिएगा, एक्सेल सब कुछ है, ठीक ठीक.
ओके बाय सी टुमारो यस सर। सर वो वीडियो